अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 5 मैथ की किताब नवीन सरल गणित का अभ्यास 1 पढ़ाएंगे। बच्चों, अभ्यास 1 का नाम है पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास का मतलब होता है जो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं उसी को दोहराना। तो बच्चों देखिए, सबक का नाम है संख्याओं का पढ़ना लिखना और उन पर चार मूल संक्रियाएं। पिछली कक्षा में तुम सीख चुके हो कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 करोड़, बच्चों देखिए 10 करोड़ अंकों में लिखा गया है। 10 करोड़ को हम 100 मिलियन भी कहते हैं। अभ्यास 1, पहला सवाल है, नीचे दी गई सारणी को पढ़ो और इसमें खाली जगहों को सही उत्तर से भरो। क्रम संख्या 1, 2, 3। उसके बाद है संख्या शब्दों में। बच्चों देखिए, शब्दों में कुछ संख्या लिखी गई है, उसके बाद अगले कॉलम में संख्या अंकों में लिखी गई है, उसके बाद यहाँ है मिलियन। इन संख्याओं को मिलियन में लिखना है। जैसे यहाँ शब्द में लिखा गया है 10 लाख, इसी 10 लाख को अंकों में लिखा गया है, जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 हज़ार, लाख, 10 लाख। 10 लाख को अंकों में लिख करके दिखाया गया है। तो बच्चों 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। आगे है 1 करोड़, अंकों में लिखा गया है 1 करोड़। तो बच्चों यहाँ बताना है कि यदि 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है तो 1 करोड़ में कितना मिलियन होगा, यहाँ भरना है। उसके बाद है 10 करोड़, अंकों में लिखा गया है 10 करोड़। यदि 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है तो 10 करोड़ को कितना मिलियन कहा जाएगा, यहाँ भरना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, नीचे लिखी प्रत्येक संख्या को शब्दों में लिखो। बच्चों देखिए, यहाँ जो संख्याएं लिखी गई हैं ये अंकों में लिखी गई हैं, इसको शब्दों में लिखना है। जैसे पहला है 9840, हम इसको शब्दों में लिखेंगे। जिस तरह से देखिए यहाँ शब्दों में लिख करके दिखाया गया है, उसी तरह से हम इसको लिखेंगे 9840। सवाल नंबर 2 है 10520, 10520 अंकों में लिखा गया है, इसको शब्दों में लिखना है। तो बच्चों अंक और शब्द में लिखने का तरीका आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, उसी तरीके का प्रयोग करते हुए सवाल नंबर 2 को हल करें। आगे पेज पर देखिए है सवाल नंबर 3, निम्नलिखित को अंकों में लिखो। बच्चों यहाँ जो सवाल दिया गया है ये शब्दों में लिखा गया है, इसको अंकों में लिखना है। तो अंकों में लिखने का तरीका आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी तरीके का प्रयोग करके इस सवाल को हल करें। जैसे पहला सवाल है 11569। तो बच्चों यहाँ इस संख्या को अंकों में लिखना है, 11569। इसी तरह से सवाल नंबर 2, 3, 4 और 5, सभी सवाल को जो शब्द में लिखा गया है अंकों में अपनी कॉपी में लिखें।
चौथा सवाल है, नीचे लिखी प्रत्येक संख्या में 3 का स्थानीय मान लिखो। तो बच्चों स्थानीय मान भी हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। पहला सवाल है 48,02,143। तो सवाल में कहा गया है कि नीचे लिखी प्रत्येक संख्या में 3 का स्थानीय मान। तो बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे पूरी संख्या में 3 कहाँ है। तो हम देखेंगे 3 यहाँ है इकाई की जगह। तो स्थानीय मान लिखने का जो तरीका है, उस तरीके का प्रयोग करके हम यहाँ पर 3 का स्थानीय मान लिखेंगे। दूसरे सवाल में हम देखेंगे लिखा है 8,05,378। तो इसमें 3 का स्थानीय मान लिखना है। हम देखेंगे कि 3 यहाँ पर सैकड़े की जगह है। तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 300। लिखने का तरीका आप लोगों को पता है, उसी तरीके का प्रयोग करते हुए सवाल नंबर 4 में जितने सवाल हैं सबको हल करें। सवाल नंबर 5 हल करो। बच्चों सवाल नंबर 5 में जोड़ है और घटाना। जैसे पहला सवाल आप लोग देख रहे हैं, इसमें जोड़ना है। इन संख्याओं को ऊपर नीचे लिख करके अपनी कॉपी में हल करें। सवाल नंबर 2, इसमें घटाना का निशान है। इसको जो पहली संख्या लिखी गई है इसको ऊपर लिखें और जो दूसरी संख्या लिखी गई है इसको नीचे लिख करके घटाएं। तीसरा सवाल है, इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं, तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है। चौथा सवाल देखिए, इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं लेकिन यहाँ पर निशान अलग-अलग है। पहले ऋण का निशान है, बाद में धन का निशान है। तो बच्चों हम देखेंगे कि अब इन 3 संख्याओं में पहले किसको किसको जोड़ना है। हमने पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कि जो धनात्मक संख्याएं होती हैं उसी को आपस में जोड़ा जाता है। धनात्मक संख्याओं की पहचान ये होती है कि जिस संख्या के पहले या तो धन का निशान लगा हो या कोई निशान न लगा हो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। तो हम देखेंगे कि जो पहली संख्या लिखी गई है इसके पहले यहाँ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये संख्या धनात्मक है। दूसरी संख्या है, इसके पहले ऋण का निशान लगा है तो हम इसको ऋणात्मक संख्या कहेंगे। तीसरी संख्या जो लिखी गई है इसके पहले धन का निशान है, इसका मतलब ये धनात्मक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पहली संख्या और तीसरी संख्या धनात्मक है। तो इन पहली और तीसरी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, जितना आंसर आएगा उसमें से हम दूसरी संख्या घटा देंगे। बच्चों ठीक इसी तरीके का प्रयोग करते हुए सवाल नंबर 5 आप लोग अपने मन से अपनी कॉपी में लगाएं। सवाल नंबर 6, गुणनफल ज्ञात करो। तो बच्चों सवाल नंबर 6 में गुणा करना है। जैसे पहली संख्या है 625×18। तो 625 को आप लोग अपनी कॉपी में ऊपर लिखें, उसके नीचे 18 लिखें। बच्चों संख्याओं को ऊपर नीचे लिखते समय इस बात का ध्यान रहे कि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखना जरूरी है। इसी तरह से अगला है 9,481×63। बच्चों 9,481 में 63 का गुणा करना है। तो 9,481 ऊपर लिखकर उसके नीचे हम यहाँ लिखेंगे 63,
फिर 9481 में 3 का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 6 का गुणा करके सब संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। इसी तरह से सवाल नंबर 3, 4 और 5 आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है। सवाल नंबर 7, प्रत्येक प्रश्न में भागफल और शेषफल ज्ञात करो। बच्चों, 7वें सवाल में आप लोगों को भाग करना है। जैसे पहला सवाल है, 78,025 भागे 17। तो बच्चों, 78,025 में 17 का भाग करना है। तो भाग करने की प्रक्रिया आप लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं। अपने मन से उसी तरीके का प्रयोग करते हुए सवाल नंबर 7 को अपनी कॉपी में हल करें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 5 मैथ की किताब नवीन सरल गणित का अभ्यास 1 पढ़ाएंगे। बच्चों, अभ्यास 1 का नाम है पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास का मतलब होता है जो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं उसी को दोहराना। तो बच्चों देखिए, सबक का नाम है संख्याओं का पढ़ना लिखना और उन पर 4 मूल संक्रियाएं। पिछली कक्षा में तुम सीख चुके हो कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 करोड़। बच्चों देखिए, 10 करोड़ अंकों में लिखा गया है। 10 करोड़ को हम 100 मिलियन भी कहते हैं। अभ्यास 1, पहला सवाल है, नीचे दी गई सारणी को पढ़ो और इसमें खाली जगहों को सही उत्तर से भरो। क्रम संख्या 1, 2, 3। उसके बाद है संख्या शब्दों में। बच्चों देखिए, शब्दों में कुछ संख्या लिखी गई है, उसके बाद अगले कॉलम में संख्या अंकों में लिखी गई है, उसके बाद यहाँ है मिलियन। इन संख्याओं को मिलियन में लिखना है। जैसे यहाँ शब्द में लिखा गया है 10 लाख, इसी 10 लाख को अंकों में लिखा गया है, जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख को अंकों में लिख करके दिखाया गया है। तो बच्चों, 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। आगे है 1 करोड़, अंकों में लिखा गया है 1 करोड़। तो बच्चों, यहाँ बताना है कि यदि 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है तो 1 करोड़ में कितना मिलियन होगा, यहाँ भरना है। उसके बाद है 10 करोड़, अंकों में लिखा गया है 10 करोड़। यदि 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है तो 10 करोड़ को कितना मिलियन कहा जाएगा, यहाँ भरना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, नीचे लिखी प्रत्येक संख्या को शब्दों में लिखो। बच्चों देखिए, यहाँ जो संख्याएं लिखी गई हैं ये अंकों में लिखी गई हैं, इसको शब्दों में लिखना है। जैसे पहला है 9,840, हम इसको शब्दों में लिखेंगे। जिस तरह से देखिए यहाँ शब्दों में लिख करके दिखाया गया है, उसी तरह से हम इसको लिखेंगे 9,840। सवाल नंबर 2 है 10,520, 10,520 अंकों में लिखा गया है, इसको शब्दों में लिखना है। तो बच्चों, अंक और शब्द में लिखने का तरीका आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, उसी तरीके का प्रयोग करते हुए
सवाल नंबर दो को हल करें। आगे पेज पर देखिए है सवाल नंबर तीन, निम्नलिखित को अंकों में लिखो। बच्चों यहाँ जो सवाल दिया गया है ये शब्दों में लिखा गया है, इसको अंकों में लिखना है। तो अंकों में लिखने का तरीका आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी तरीके का प्रयोग करके इस सवाल को हल करें। जैसे पहला सवाल है 11,569, तो बच्चों यहाँ इस संख्या को अंकों में लिखना है 11,569। इसी तरह से सवाल नंबर 2, 3, 4 और 5 सभी सवाल को जो शब्द में लिखा गया है अंकों में अपनी कॉपी में लिखें। चौथा सवाल है नीचे लिखी प्रत्येक संख्या में 3 का स्थानीय मान लिखो। तो बच्चों स्थानीय मान भी हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। पहला सवाल है 48,02,143। तो सवाल में कहा गया है कि नीचे लिखी प्रत्येक संख्या में 3 का स्थानीय मान। तो बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे पूरी संख्या में 3 कहाँ है, तो हम देखेंगे 3 यहाँ है इकाई की जगह। तो स्थानीय मान लिखने का जो तरीका है उस तरीके का प्रयोग करके हम यहाँ पर 3 का स्थानीय मान लिखेंगे। दूसरे सवाल में हम देखेंगे लिखा है 8,05,378, तो इसमें 3 का स्थानीय मान लिखना है। हम देखेंगे कि 3 यहाँ पर सैकड़े की जगह है, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा 300। लिखने का तरीका आप लोगों को पता है, उसी तरीके का प्रयोग करते हुए सवाल नंबर 4 में जितने सवाल हैं सबको हल करें। सवाल नंबर 5 हल करो। बच्चों सवाल नंबर 5 में जोड़ है और घटाना। जैसे पहला सवाल आप लोग देख रहे हैं, इसमें जोड़ना है। इन संख्याओं को ऊपर नीचे लिख करके अपनी कॉपी में हल करें। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 इसमें घटाना का निशान है, इसको जो पहली संख्या लिखी गई है इसको ऊपर लिखें और जो दूसरी संख्या लिखी गई है इसको नीचे लिख करके घटाएं। तीसरा सवाल है इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं, तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है। चौथा सवाल देखिए, इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं लेकिन यहाँ पर निशान अलग अलग है। पहले ऋण का निशान है, बाद में धन का निशान है। तो बच्चों हम देखेंगे कि अब इन 3 संख्याओं में पहले किसको किसको जोड़ना है। हमने पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कि जो धनात्मक संख्याएं होती हैं उसी को आपस में जोड़ा जाता है। धनात्मक संख्याओं की पहचान ये होती है कि जिस संख्या के पहले या तो धन का निशान लगा हो या कोई निशान न लगा हो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। तो हम देखेंगे कि जो पहली संख्या लिखी गई है इसके पहले यहाँ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये संख्या धनात्मक है। दूसरी संख्या है, इसके पहले ऋण का निशान लगा है तो हम इसको ऋणात्मक संख्या कहेंगे। तीसरी संख्या जो लिखी गई है इसके पहले धन का निशान है, इसका मतलब ये धनात्मक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पहली संख्या और तीसरी संख्या धनात्मक है, तो इन पहली और तीसरी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, जितना आंसर आएगा उसमें से हम दूसरी संख्या घटा देंगे।
बच्चों ठीक इसी तरीके का प्रयोग करते हुए सवाल नंबर 5 आप लोग अपने मन से अपनी कॉपी में लगाएं। सवाल नंबर 6 गुणनफल ज्ञात करो। तो बच्चों सवाल नंबर 6 में गुणा करना है। जैसे पहली संख्या है 625 गुणे 18, तो 625 को आप लोग अपनी कॉपी में ऊपर लिखें, उसके नीचे 18 लिखें। बच्चों संख्याओं को ऊपर नीचे लिखते समय इस बात का ध्यान रहे कि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखना जरूरी है। इसी तरह से अगला है 9481 गुणे 63। बच्चों 9481 में 63 का गुणा करना है, तो 9481 ऊपर लिखकर उसके नीचे हम यहाँ लिखेंगे 63, फिर 9481 में 3 का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 6 का गुणा करके सब संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। इसी तरह से सवाल नंबर 3, 4 और 5 आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है। सवाल नंबर 7 प्रत्येक प्रश्न में भागफल और शेषफल ज्ञात करो। बच्चों 7वें सवाल में आप लोगों को भाग करना है। जैसे पहला सवाल है 78,025 भागे 17, तो बच्चों 78,025 में 17 का भाग करना है। तो भाग करने की प्रक्रिया आप लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं, अपने मन से उसी तरीके का प्रयोग करते हुए सवाल नंबर 7 को अपनी कॉपी में हल करें। Thank you.